लैंडिंग ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप लोग लैंड करते हो दिस बैटल रॉयल गेम में ना, बिल्कुल गलत लैंड करते हो, बिल्कुल इस टाइप से उतरते हो, मर जाते हो, पता नहीं कहाँ उतरते हो। अगर आपको सेफ लैंडिंग करना है ना, मैप को समझो, मैप जिस आपका प्लेन रूट से जा रहा है पहले ही वहाँ पे मार्क कर दो और एक स्टेप्स पहले ही उतर जाओ। मेरे को परीक्षा जाना है ना, तो मैं 4 मार्क से उतरना स्टार्ट करूँगा, पता है ना, कि परीक्षा पे आ रहा हूँ और ना कि परीक्षा पे उतर रहा हूँ। परीक्षा पे उतरना है तो मैं 4 मार्क से ही उतर जाऊँगा, इस बात का ध्यान रखना। ये आपका टिप 1 बताता है बिगिनर्स के लिए, खासकर काफ़ी बिगिनर्स गलती करते हैं, उतर नहीं पाते सही से। ध्यान रखा करो इस चीज़ का। देखो श्राइन जा रहा हूँ, कहाँ उतरा मैं, 4 मार्क से ही उतरना स्टार्ट कर दिया अपने स्क्वाड के साथ, या फिर सोलो खेल रहा हूँ तो सोलो। तो बिगिनर्स के लिए ये एकदम खतरनाक टिप है जो अभी टिप बता रहा हूँ। ऐसे ही टिप जानना है तो चलो कंटिन्यू करते हैं टिप नंबर 2। अब देखो टिप नंबर 2 आपको क्या होगा, ये बिगिनर्स नहीं जानते इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो टिप नंबर 2 आपका कहता है स्विच FPP और TPP, लाइव प्रूफ रिजल्ट के साथ दिखाऊंगा। देखना है यहाँ पे आप लोग देखना, मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको हिप मारा, ये बंदा भाग गया, मैं यहाँ पे FPP स्विच कर, देखो इसको कितना ज़्यादा डैमेज दिया। अभी डैमेज देने के साथ मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि मैं बिगिनर हूँ, मैं नया प्लेयर हूँ, मेरे को स्विच करने नहीं आता है, तो भाई ये आपके डिवाइस में भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तीर बना हुआ होगा, यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो FPP स्विच हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो TPP स्विच हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट पावर व्यू आपको देखने को मिलेगा जो कि एकदम ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो मैं बंदा को मार रहा हूँ ना, बंदा को मैं FPP करके ही मारा हूँ। तो आप भी इस टाइप से कुछ सीख सकते हो गेम में, ट्रेनिंग में जा करके आप लोग FPP और TPP प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उसके बाद गाइस आपको मैं बता दूं कि देखो अभी मैं जो इसको मारा हूँ ना, इसमें जायरो का काफ़ी ज़्यादा काम है। तो चलते हैं हम लोग अपन टिप्स नंबर 3 पे, जो कि आपके लिए एकदम जरूरी है गाइस, ठीक है। तो टिप नंबर 3 आपका कहता है यहाँ पे जायरो यूज़। क्या आप जायरो यूज़ करना जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो चलो बताते हैं। देखो सेटिंग में आपको एक जायरो का ऑप्शन मिलता है जिसको ऑन कर लेना है। उसके बाद ये देखो हॉरिजेंटली जायरो, वर्टिकली, राइट, लेफ्ट, देखो ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो अभी मैंने लेफ्ट किया और अभी मैंने राइट किया। अगर आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो कि जायरोस्कोप कैसे यूज करते हैं, तो ये वाली वीडियो को जरूर देखना जो कि कल ही मैंने दिया था। जायरो में मास्टर बन जाओगे। और अगर आप बिगनर हो, जायरो नहीं खेल रहे हो, तो आप बहुत नूब हो भाई, सच बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा नूब हो। क्योंकि जैसे ही आपको जायरो यूज करने नहीं आता है इन दिस बैटल गेम में, आपसे 1v3 क्लच नहीं हो पाएगा जब आप जायरो को यूज नहीं कर पा रहे हो। तो सीखो ये वाली वीडियो को देख के, जायरो का रिजल्ट देख लो। देखो जो बंदा को मारा था ना पहले, उसको मैं जायरो यूज करके मारा था और FPP करके मारा था, देखे बंदा खत्म। तो ऐसे ही जानना है तो चलो चलते अपने टिप नंबर 4 पे, जो कि बिगनर्स काफ़ी गलती करते हैं मैच में। कवर फाइट वो लेते ही नहीं है, वो खुले में चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता 2-3 बंदे हैं। यहाँ पे देखो जो मैं इस बंदा को मारा हूँ ना, कवर में रहने के बाद मारा हूँ, ठीक है, एकदम कवर में, पेड़ का पीछे कवर है, कभी मेरा रॉक्स का कवर है, कभी मेरा झाड़ी का कवर है, कभी मेरा कंपाउंड का कवर है। कवर में रहते वो मारोगे बंदों को, भाई बंदा मरेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे तुम देखो जो बिल्डिंग्स वगैरह है, ठीक है, जो कंपाउंड्स वगैरह है, इसके विंडोज़ वगैरह होते हैं, कैसे मैं कवर में रह करके नॉक दे रहा हूँ, मार रहा हूँ, ये ध्यान रखना भाई। चलते टिप नंबर 5 पे, गन कम्बाइनेशन, ठीक। देखो गन कम्बाइनेशन एकदम सिंपल सच चीज़ है, गन्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। मेरे पास वी फ्यूरी है और मेरे पास टेम्पेस्ट है, मैं वी फ्यूरी में अच्छा हूँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वी फ्यूरी चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना वी फ्यूरी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। देखो वी फ्यूरी से इसको नॉक दे दिया और मैं अपने पार्टी को भी रिवाइव दे दिया, तो मेरे को ये गन कम्बिनेशन सही लगता है। वी फ्यूरी मिल जाए तो सही है, और बगल में स्नाइपर मिल जाए या फिर मेरे को लोकस्ट वगैरह मिल जाए। तो उसके बाद चलते हैं टिप 6 पे, एम असिस्ट। देखो बिगनर्स गलती करते हैं, शुरू में ना वो लोग एम असिस्ट ऑफ कर देते हैं, गेम के मैकेनिक्स समझते नहीं है और ऑफ कर देते हैं। तो क्या करना है आप लोग ना, एम असिस्ट को ऑन करके ही खेलो, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तब 5-6 मैच 15 दिन आप लोग एम असिस्ट ऑन करके खेलो, उसके बाद आदत हो जाएगा। टिप नंबर 7 पे चलते हैं। देखो ये पूरा गेम जो है ना कॉस्मियम पे डिपेंड है, कॉस्मियम लोगे तो भाई जीतोगे, पॉइंट आपके बढ़ेंगे। तो आप अगर सोलो खेल रहे हो तो लास्ट तक जाओ, आपका स्क्वाड खेल रहा है तो लास्ट तक जाओ, बिगनर्स नहीं जानते इसी चीज़ को, लास्ट तक जाओ। चलते टिप नंबर 8 पे, इन दस गेम के सेटिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप बिगनर हो तो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप क्या ऑटो फायर को ऑन करके रखे हो, क्योंकि जब स्मोक्स होगा तो ऑटो फायर आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। आप धुआं में गोली मारोगे बंदा को लगेगा, ऑटो फायर ऑफ रहेगा धुआं में गोली मारोगे नहीं लगेगा, बिगनर्स तो ये बात पता ही नहीं होता उनको, अगर वो तो न्यू प्लेयर है उनको तो पता ही नहीं होगा कि सेटिंग्स क्या होगी। देखो यहाँ पे, देखे यहाँ पे अगर आपका डिवाइस है ना 4GB है, ठीक है,
तो आप लोग ऑटो रिकमेंडेशन पे क्लिक कर सकते हो। ऑटो रिकमेंडेशन पे क्लिक करोगे तो सिस्टम आपका खुद डिटेक्ट कर लेगा आपका रैम आपका प्रोसेसर वगैरह सब कुछ, और देखो ये कर देगा, ठीक है, परफॉर्मेंस 60 लो ऑफ ये कर देगा। लेकिन अगर आपका हाई एंड डिवाइस है बिल्कुल मेरी तरह 12 GB रैम, तो आप यह ना पूरा क्वालिटी कर दो मीडियम। मैं भाई पूरा क्वालिटी कर देता हूँ क्योंकि मेरा रैम 12 GB है, प्रोसेसर भी अच्छा ही खासा है, तो मैं पूरा ना क्वालिटी वगैरह बढ़ा दूंगा। लेकिन आपका डिवाइस थोड़ा सा FPS वगैरह कम देता है तो गाइस आपको कम में ही खेलो ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप नंबर 9, 2x एंड 4x। तो देखो बिगिनर को ये चीज पता ही नहीं होता, 2x 4x ऐसा ले लेते हैं और मारते ऐसा है कि इतना रिकॉइल करता है, इतना स्प्रे करते हैं कि बंदा मरता भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप लोग 2x और 4x को इम्प्रूव करो। ये देखो भाई कैसे चलाते हैं 2x 4x, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। बंदा यहाँ पे भाग जाता है एम वहाँ पे, बंदा यहाँ पे स्प्रे उसका वहाँ पे भाग जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू इम्प्रूव ट्रेनिंग प्रैक्टिस, जिसमें मैंने आपको 2x 4x इम्प्रूव करना सिखाया है। यहाँ पे वीडियो आ रहा है, क्लिक करो और देख लेना इसके बाद। और देखो भाई आपको पता है कि अभी इंडस बैटल में सीजन 1 का गिव अवे चल रहा है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पे डेली आ रहा हूँ और आप लोग के लिए गिव अवे वगैरह कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इंडस बैटल रॉयल में सीजन 1 का गिव अवे जीतना चाहते हैं तो मेरे लाइव स्ट्रीम में जरूर आइए। और लाइव स्ट्रीम का जो टाइमिंग है ना गाइस, वो टाइमिंग है शाम के 4 बजे 4:30 बजे के बाद, तो जरूर आइए आप लोग। उसके बाद चलते हैं टिप नंबर 10 पे। देखो बिगनर को पता नहीं होता है कि उसको कहाँ से पढ़ रहा है, उसको बंदे कहाँ से मार रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको काफी काम आएगा, जो चीज अभी मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ पे चढ़ के आप लोग भी मार सकते हो। अब देखो गाइस यहाँ पे टिप नंबर 11 पे चलते हैं, कस्टम HUD। आपको अगर कस्टम HUD देखना है ना, देख लो यहाँ पे 3 finger कस्टम HUD मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोग का कस्टम HUD में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आप लोग बंदे को मार नहीं पा रहे हो ना, तो कस्टम HUD को थोड़ा सा ठीक कर लो। बिल्कुल जो दिखा रहा हो ना, बिल्कुल आप लोग इस टाइप से रख सकते हो, और बंदों को मार सकते हो इजिली। चलते टिप नंबर 12 पे, जो कि लास्ट है, सोलो वर्सेस स्क्वाड। अगर आप बिगनर हो, अगर आपका गेम प्ले वगैरह सही नहीं है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो। कैसे खेलोगे, चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैं मैच स्टार्ट किया हूँ ना, मैं सोलो आ गया हूँ, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ अभी आपको। देखो सोलो आ गया ना, देखो मैं मैच में भी जाऊँगा बंदों लोगों को, देखो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोलो स्टार्ट किया और सोलो ही स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैं सोलो स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्वाड में पहुंच जाता हूँ, मेरे को सोलो खेलने का मन करता है, सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं आता है मेरे को सिखा दो। तो चलो गाइस अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है बिगिनर्स के लिए, ये एकदम जरूरी है ताकि बिगिनर्स लोग अच्छे से खेल सके गेम को और मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ समझ सके, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पे जाना, ऑटो स्क्वाड फुल था ना, ऑफ कर दोगे आप सोलो स्टार्ट कर दोगे, ऑन रहेगा तो स्क्वाड स्टार्ट होगा। देखो ऑन था और ये मैच स्टार्ट करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे स्क्वाड आ गया, ठीक है। देखो टीममेट्स वगैरह आ गए और ये रैंडम है। तो अगर आपकी जगह पे मैं रहता ना, तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलता, क्योंकि मेरे को अपना गेम प्ले इंप्रूव करना है, क्योंकि भाई मैं बिगिनर हूँ, ठीक है। और बिगिनर्स लोग काफ़ी ज़्यादा मैचेस वगैरह खेलते हैं, BL वगैरह खेलते हैं, और BL वगैरह में मैं तो यही बोलूँगा कि आप अज्जू भाई बनो, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो और गेम प्ले को इंप्रूव करो।